बस 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 बहुत ज्यादा लाउड है भाई। क्या लग रही है यार, कितनी ब्रूटल लग रही है, फेस चेक करो। पहले इसका फेस इतना खतरनाक था ना, अब तो चार चांद लग गए भाई फेस को। ये देखो, चलो आप मेरे को फ्लाई बाय देते हैं। तो भाई क्या क्या लगवाया तूने इसमें, क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है? 3 लाख रुपए लगाया गाइस इस बाइक पे, अभी 3 लाख रुपए लग चुका है। गाइस देख रहे हो यार क्या चमक रही है बाइक, मतलब इतनी खतरनाक लुक दे रही है। और यार जो ये इसकी टेल है ना भाई, टेल तो क्या ही बताऊं मैं यार, क्या लुक दे रही है टेल। हाँ, और यार कल मीटअप है 12 बजे सिद्रा नेस्कैफे में, तो यार सारे आ जाना ठीक है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल ऑल इन व्लॉग्स। तो कैसी मेरी YouTube फैमिली, होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस देख रहे हो आज का व्लॉग शुरू करें फिर से अपने रूम से। तो गाइस आज का व्लॉग हमारा हल्क पे होने वाला है, बिकॉज मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं एक व्लॉग अपना KTM पे बनाऊंगा और एक व्लॉग हमारा आएगा सुपर बाइक पे। तो गाइस अभी मुझे भी नहीं पता कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है, पर जो भी होगा यार आपको बहुत मजा आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कैसी बनी है। और जल्दी से हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, फिर हम बाइक की मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलो भाई नीचे लगा अपना हल्क, तो जल्दी से उसको कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस मेरे इंस्टा पे भी 100K करवा दो प्लीज। तो चलो मिलता हूं आपसे सीधा बाइक पे। फाइनली गाइस यहां पे लगा अपना हल्क, तो चलो इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये लगा दी हमने की और ये हो गया हमारा हल्क कोल्ड स्टार्ट। तो गाइस आज मैं राइडिंग बैग भी लेके जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे वहां से राइडिंग पैंट लेनी है। कल हम राइडिंग पैंट नहीं ले पाए थे, बिकॉज कल हम ऑफ रोड करके इतने गंदे हो गए थे ना कि खुद में घर कैसे पहुंचाऊं, तो आपने देख ही लिया होगा। तो राइडिंग पैंट कहाँ रखनी थी, तो आज मैं राइडिंग बैग खास इसीलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे राइडिंग पैंट लेनी है। तो अभी मैंने ट्राउजर पहना है, तो ट्राउजर इस पे डाल दूंगा, तो फिर हम राइडिंग पैंट ले लेंगे। भाई बाइक की भी बहुत ज्यादा बुरी हालत है यार, ये चेक करो, देख रहे हो कितनी गंदी हो गई हुई है, देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा गंदी हो गई हुई है। गाइस अभी कैफे चल के इसको अच्छे से वॉश करा लेते, मुझे समझ नहीं आ रही तो मैंने ऑफ रोड भी नहीं किया फिर इतनी गंदी कैसे हो गई है, देख रहे हो ना बहुत बुरी हालत है इसकी। तो गाइस मैंने राइडिंग गियर भी धुलवाने को दिए हुए थे, बिकॉज बहुत बुरी हालत हो गई थी। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अपनी KTM लगी है, इसको हमने अच्छे से वॉश करवा दिया था भाई। इसकी जो हालत थी ना भाई, लोग मेरे को देख रहे थे ना, बोल रहे थे भाई आप लद्दाख से आए हो, इतनी बुरी हालत थी मेरी। तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करवा लिया और राइडिंग गियर भी वॉश करवाने को दिए हुए। तो नीचे से राइडिंग गियर भी लेते हैं फिर निकलते एक अच्छी सी राइड पे। फाइनली गाइस अभी हमने बाइक निकाल दिया पार्किंग से बाहर। आ जाओ। हेलो कैसे हो? हेलो फोटो लेना, तो मैं सेल्फी ले लेता हूँ ठीक है। हाँ ले लिया व्लॉग में ठीक है, ओके बाय मिलते हैं। फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से, और भाई हमें घर से निकलते ही सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। ओ भाई ये क्या लेके आ रहा बंदा, ओहो। सो फाइनली गाइस अभी हम कैफे पहुंच चुके हैं, तो राइडिंग गियर्स पहन लेते हैं। सो फाइनली गाइस ये रहे हमारे राइडिंग गियर्स, ये देख लो भाई, ये रही हमारी राइडिंग जैकेट जो बिल्कुल धुल के साफ हो चुकी है, और ये रहे हमारे राइडिंग ग्लव्स। और ये कितने गंदे हो गए थे वो आपको इस फोटो से पता चल जाएगा, जो आपको इधर दिख रही होगी, दिख रही है अभी, तो वो देख लो। तो देखो भाई अभी ये बिल्कुल अच्छे से धुल चुके हैं भाई, पूरा क्रेडिट इस बंदे को जाता है सैम व्लॉग्स को ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो चलो गाइस अभी राइडिंग गियर्स पहनते हैं, तो निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली गाइस अभी हमने राइडिंग गियर्स पहन लिए हैं, तो चलो भाई निकलते हैं। तो चलते अपनी राइडिंग पैंट बाय करते हैं भाई। सो फाइनली गाइस अभी हम सिद्रा पहुंच चुके हैं भाई, बहुत खट्टे हो गए सिद्रा के रोड पे। सो गाइस हमने फर्स्ट थ्रॉटल दे दिया अपनी राइड का, और भाई मजा ही आ गया फर्स्ट थ्रॉटल देके। और गाइस मैंने पीछे राइडिंग बैग पहना, वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ यार, मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा है। तो अभी रुकते हैं थोड़ा आगे, इसको एडजस्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे रुकते हैं, एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लूं। ओ भाई ये देखो ट्रक कैसे चल रहे, रेस लगा रहे क्या एक साथ ही? लगा दो भाई। गाइस ट्रैफिक ही बहुत है, सुपर बाइक भगानी कहाँ है, देखो ना क्या बात है। पावर है भाई बाइक में, क्या देती है यार ये चीज कसम से। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, तो फ्यूल डलवा लेते हैं यार, इसमें फ्यूल नहीं है। तो ये रहा हमारा XP95। सो फाइनली गाइस ये चेक करो, फ्यूल डल रहा हमारी बाइक में, तो देखते हैं भाई कितने का डलता है। सो गाइस 1000 रुपीज का फ्यूल डल चुका है हमारे में, मुझे लगा था बाहर आ जाएगा पर नहीं डल गया, बहुत तेल पीती है भाई ये, बहुत ज्यादा तेल पीती है। तो चलो भाई चलते सीधा पिट स्टॉप, वहाँ पे राइडिंग गियर्स बाय करते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पिट स्टॉप। ओ भाई देख रहे हो टक्कर होगी। सो यहाँ पे लगी हमारी Z900, यहाँ पे आमिर भी आ चुका है भाई। ब्रो हाउ यू डूइंग ब्रो, वाओ एक नंबर लग रही है गाइस, ये चेक करो यार खतरनाक लग रही है। पीछे से देख रहे हो भाई क्या लग रहा है यार, मॉन्स्टर जैसा। ड्रैगन की लुक चेक करो यार, पीछे से कितनी ब्रूटल लग रही है भाई। ओ भाई
गाइस हम सोच रहे थे कि भाई सिटी में चलते, पर सिटी में सीन हो जाएगा यार। चलना है सिटी में, रिएक्शन वीडियो बना लेते हैं। तूने कुछ उतरवाया इसमें से यार? अलग लग रही है पीछे से। तो फाइनली गाइस अभी हम रुके 24 कैरेट। पीछे से मुझे टेल लाइट अलग लग रही है या इसने सिर्फ स्मोक कराया है ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने पीछे ये लगाया ना, मैं ये उतरवा दूंगा फिर मेरी भी ऐसी लुक आएगी। सो फाइनली गाइस अभी हम यहाँ पे रुके थे, तो अभी हम निकल रहे हैं। और यहाँ पे चेक करो भाई, यहाँ पे दोनों बाइक्स लगी। और ये चेक करो भाई, यहाँ पे है ड्रैगन। और भाई ड्रैगन की लुक चेक करो भाई, क्या क्या लगवाया है तूने इसमें, क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है। 3 लाख रुपए लगाया गाइस इस बाइक पे, अभी 3 लाख रुपए लग चुका है। दिख नहीं रहा है कहाँ पे लगा हुआ है। देखो गाइस इसमें भी SCC की लाइट्स लगी है, मेरे में भी यही लगी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आवाज सुनाएगा ये, आवाज सुनो। तो ये देखो इसमें भी SCC की लाइट्स लगी है, दोनों में सेम लाइट्स लगवाई है हमने। इसके आगे जो हुआ था कैप जैसा उतार दिया, कैप उतार दिया, आवाज सुनो। बस बस बस, बहुत ज्यादा लाउड है भाई, ये मशीन बहुत ज्यादा लाउड है। चलो अभी मैं ड्रैगन राइड करने वाला हूँ। सो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं ड्रैगन पे, तो चलो भाई चलते हैं। भाई आमिर चला रहा है अभी हल्क। भाई इसका सिटिंग पोस्चर इतना खतरनाक है ना, मतलब पूरा 390 वाला पोस्चर है यार इसका। भाई इसने ड्रैगन का मीटर पूरा ब्लैक करवा दिया, ये देख रहे हो भाई, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आगे चल के आपको आवाज वगैरह सुनाते हैं दोनों बाइक्स की। भाई देख रहे हो, इसने छोटा सा मिरर भी लगवाया है यहाँ पे, जिसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। पता नहीं क्यों लगवाया यार इस बंदे ने, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो गाइस ड्रैगन का आपको फर्स्ट गियर टेस्ट करके बताता मैं, पर यार यहाँ पे मीटर में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा लग रहा हो, तूने मीटर पूरा ब्लैक करवा दिया, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है यार। 3 इनलाइन 4 चल रही है भाई, इतनी आवाज आ रही है ना, क्या बताऊं आपको गाइस, एक नंबर है। वो थोड़ा भगा के देखते हैं ड्रैगन को, ठीक है। ओ भाई धक्का देती है यार ये बाइक, धक्का देती है, पागलों वाली पावर है यार इसमें। चलो पास लेते हैं। शिट मैन, शिट शिट शिट, इनसेम पावर है यार ड्रैगन में, इनसेम पावर। चलो हम मेरे को फ्लाई बाई देते हैं। इसमें विंड ब्लास्ट बजता है यार बहुत गंदे वाला, सारी हवा आपके मुंह पे बजती है, बिकॉज आगे कुछ है ही नहीं। नेकेड बाइक का यही तो सीन होता है यार, नेकेड बाइक मुझे इसीलिए नहीं पसंद है, बिकॉज यार सारा प्रेशर, विंड प्रेशर सारा मुंह पे बजता है। हाँ चल। तो गाइस अभी स्टंट पॉइंट चलते हैं, वहाँ पे साउंड सुनाऊंगा आपको। और देखो भाई वहाँ पे रील बन रही है, तो जिसको जिसको रील देखनी है जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो। भाई डराती है यार ये चीज, डराती है कसम से। चलो फ्लाई बाई देते हैं। ओ भाई ये बंदा कब से रील बना रहा है मेरी, वो चेक करो यार। अब बंद कर दे, अब गिरना मत। 2000 years later। अब बस कर दे, रील बनाना बंद कर। हाथों से छूटती है यार ये बाइक, इतनी पावर इसमें हाथों से छूट जाती है। मैं सोच रहा हूँ इसमें एक ऑक्टेन बूस्टर डालेंगे, मैंने उसको बोला भी है कि एक व्लॉग बना जिसमें तू इसमें ऑक्टेन बूस्टर डालेगा ना, उसके बाद क्या व्लॉग बनेगा यार, एक नंबर, मजा ही आ जाएगा। इसमें अगर हम ऑक्टेन बूस्टर डालेंगे ना, इसकी पावर डबल हो जाएगी भाई। सो गाइस अभी स्टंट पॉइंट पे रुकते हैं, थंबनेल्स क्लिक करते हैं और आपको साउंड सुनाते हैं यार ड्रैगन की, एक नंबर साउंड है। चलो गाइस अभी आपको ड्रैगन की साउंड सुनाता हूं यार। ओह गाइस देख रहे हो क्या फोटो क्लिक किया बंदे ने यार। गाइस ये आपको इंस्टा पे देखने को मिल जाएंगे, तो जाके फॉलो कर लो यार। और साउंड सुनो अभी, ठीक है। ओ आग निकली, हाँ इसको एडिट करके रील डालूंगा भाई। ड्रैगन की साउंड सुनो यार, क्या साउंड है, एक नंबर साउंड है भाई बाइक की। भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया कसम से। तीनों बाइक्स लगी, अभी आपने ड्रैगन की आवाज सुनी ना, अब चलो मैं अपनी बाइक की आवाज सुनाता हूँ आपको। भाई ड्रैगन क्या फ्लेम्स मार रही थी यार, एक नंबर। इसको न्यूट्रल में करते हैं यार, ये पता नहीं कौन से गियर में। सो गाइस ये चेक करो अभी, अपने हल्की आवाज सुनो। ओ भाई गाइस देख रहे हो यार क्या चमक रही है बाइक, मतलब इतनी खतरनाक लुक दे रही है। और यार जो इसकी टेल है ना भाई, टेल तो क्या ही बताऊं मैं यार, क्या लुक दे रही है टेल। हाँ टेनार वही ना मैं बोल रहा हूँ, तूने पहले तो लाइट्स लगी थी क्या, अब शार्प लग रही है, देखो कितनी शार्प लग रही है। और टायर देखो भाई, टायर देखो नीचे, 220 है, 200
200 है। तो कल मीटअप है संडे को, तो मीटअप पे आ जाना सारे। नेस्ट कैफे में मीटअप है 12 बजे, तो सारे पहुंच जाना यार। तो अभी अच्छे अच्छे थंबनेल्स क्लिक करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। क्या लग रही है यार, कितनी ब्रूटल लग रही है, फेस चेक करो। पहले इसका फेस इतना खतरनाक था ना, अब तो 4 चांद लग गया भाई फेस को। आगे से इसने पूरी मैट ब्लैक करा दी हुई है, खतरनाक लग रही है कसम से, एक नंबर लग रही है बाइक। तो अभी आमिर चला गया, तो यहाँ पे 2 बाइक्स है सिर्फ। तो चलो अभी निकलते हैं, चलते सीधा पिट स्टॉप। और भाई कल तगड़ा वाला मीटअप है, तो सारे आ जाना यार, कल तो मजा आएगा। संडे को नेस्ट कैफे में 12 बजे मीटअप है, ठीक है, तो सारे पहुंच जाना वहाँ। यहाँ पे चेक करो भाई, यहाँ पे हमारे 2 मॉन्स्टर लगे हैं, 1 मॉन्स्टर चला गया जो कि भाई बहुत ज्यादा ब्रूटल है। तो फाइनली गाइस ये रही हमारी राइडिंग पैंट, तो चलो अभी मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, अगर फिटिंग सही रहेगी तो इसको अभी ले लेंगे। फाइनली गाइस अभी मैंने पूरे गियर्स पहन लिए नीचे, देखो राइडिंग पैंट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लग रहे हैं सारे। तो ये मैंने हेलमेट पहन ली, ये चेक करो भाई आप, तो ऐसा कुछ लगेंगे गाइस ये। तो गाइस तुम्हें मैं बता दूं, इन पैंट्स की खासियत राइनॉक्स का ये सेट आता है, तो इसमें तुम्हें बताता हूँ ना, बाकी पैंट्स में आपको हिप पे नहीं मिलेगा गार्ड, इसमें आपको हिप पे गार्ड मिलेगा बोथ साइड्स पे, एंड आपको यहाँ लेग के लिए बहुत अच्छा मिलेगा, आपका कुलचा बचा रहेगा गाइस। तो ऑल इन ऑल ये बात है, ठीक है। एंड इसका मटेरियल बहुत रगिड है, मतलब घिसोगे भी ना, कभी गिरोगे तो कुछ होगा नहीं इतनी आसानी से। बाकी ये देख लो, पूरा इसका अटायर पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड अब लग रहा है असली राइडर। सो फाइनली गाइस अभी हमने राइडिंग पैंट बाय कर लिया, तो हमारे जो पूरा गियर है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब मैंने सब कुछ ले लिया। तो यार चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताना हमारी वीडियो कैसी बनी है। और यार कल मीटअप है 12 बजे सिद्रा नेस्ट कैफे में, तो यार सारे आ जाना, ठीक है। और गाइस जो जो बंदा आएगा, मैं पहले बता दूं, हेलमेट पहन के आना है। गाइस जो बंदा हेलमेट पहन के नहीं आएगा यार, उसको हम एंट्री नहीं देंगे, सीधी बात जो है भाई आपके लिए बोल रहा हूं यार, हेलमेट पहन के आना, बिकॉज आपको पता है मीटअप पे बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो गाइस मैंने इसी डर से कभी मीटअप नहीं रखा कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो प्लीज यार सारे राइडिंग गियर्स पहन के आना, मैं 2-3 बारी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, प्लीज 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 राइडिंग गियर्स पहन के आना। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलता है एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, और कल की वीडियो स्किप मत कर रहा, जो जो जम्मू से है वो तो आ जाएंगे, बाकियों के लिए कल वीडियो आ जाएगी। तो चलो मिलते हैं एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय गाइस।